आज आप भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर कोने में, लद्दाख से लेकर करगिल से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर कच्छ तक, आज भारतीय जनता पार्टी सब जगह है और सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी हैं, एमएलए भी है, एमपी भी है। ये आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनी है। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो किसी लाग लपेट में, किसी प्रलोभन में मुझे क्या मिलेगा इसमें नहीं, वो समझता है कि देश सबसे पहले, नेशन सबसे, और सेल्फ अपना जो है वो लास्ट। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज पूरे हिंदुस्तान में हर कोने में कहीं जीतती है कहीं हारती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज हर कोने में भारतीय जनता पार्टी की पहुंच हो गई। ठीक है, कांग्रेस की भी पहुंच है, हम ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस की पहुंच, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है 1947 से, और 1947 से पहले भी देश की आजादी, श्रीमान राजेंद्र जी पूंछ के हमारे पूर्व अध्यक्ष चिश्ती साहब, सुनील जी, हमारे यहाँ जिन्होंने कुछ महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, पुंछ के कदावर नेता और इस असेंबली चुनाव में उन्होंने पुंछ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा, ऐसे हमारे चौधरी अब्दुल गनी साहब, श्रीमान प्रदीप जी यहाँ मंच पर उपस्थित, और मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों सामने बैठे हुए सभी मेरे कार्यकर्ता भाई, जैसे बताया गया, सबसे पहले तो मैं आप सबको जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े वोट दिए हैं, पहली बार भारतीय जनता पार्टी को पुंछ में 22,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबका शुक्रिया करता हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी ने वोट दिए। बताया राजेंद्र जी ने कि हार जीत चली रहती है, चुनाव में कोई जीतता है कोई हारता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम सब ने इस 2024 के चुनाव में करके दिखाया। आगे का समय से कुछ बहुत सारे जो मुझे दिखता है, अभी अभी चौधरी साहब के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया हो, कुछ तो पुराने होंगे जो कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में है, काफी समय से भारतीय जनता पार्टी में है, अब हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े वरिष्ठ लोग भी हमारे यहाँ पार्टी में जुड़े हैं, वकील साहब है, 6 अप्रैल 1980 को, उससे पहले भी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को वजूद में आई थी। उससे पहले आपको पता था कि 75 की इमरजेंसी में जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, उसके बाद उनको सरकार छोड़नी पड़ी और जनता पार्टी की सरकार बनी, और वो सरकार कहीं प्राइम मिनिस्टर बनते बनते 1980 में भारतीय जनता पार्टी भी उसकी हिस्सा बनी थी, लेकिन वो भी उसमें से बाहर निकलकर और एक नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी का वजूद बना है 6 अप्रैल 1980 को, और अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, और उसके बाद
पहला चुनाव हुआ 1984 में। उस समय यह भी था कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को सारे हिंदुस्तान में 2 सीटें मिली। सारे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट में 2 सीटें मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को संभालते हुए